रेनो ने ग्लोबल अनवील किया है काइगर कॉम्पैक्ट एसयूवी का, एंड ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है ये राइवल करेगी मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, ह्यूंडई वेन्यू एंड साथ ही रिसेंटली लॉन्च्ड निसान मैगनाइट के साथ। एंड निसान मैगनाइट एंड काइगर आर वेरी क्लोज राइवल क्योंकि इनकी जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल सेम है। तो इस गाड़ी में डिफरेंस क्या है एंड इसमें सिमिलैरिटी क्या है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड प्लीज सब्सक्राइब टू व्हील बीएचपी ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक और भी लाते रहें एंड हमारा रीच आप तक बढ़ता रहे। रेनो काइगर का जो ग्रिल है वो आपको काफी सिमिलर लगेगा क्विड एंड ट्राइबर से, हालांकि जो डिजाइन फॉर्मेट है वो अपना रेनो खुद का अपना फॉलो करती है एंड वही निशान थोड़ा सा आपको वो रेडी गो से मिलता जुलता लगेगा। एंड रियर प्रोफाइल दोनों में सिमिलैरिटी कोई नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। आपका रेनो काइगर जो है उसमें आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, साथ में उसका एक सी शेप का एक एज है जहाँ पे वो बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंस दे रहा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। एंड निसान मैगनाइट जहाँ पे एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ काफ़ी सटल लुक दे रहा है। सो दोनों के डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंस है एंड दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते हैं डिज़ाइन में। दोनों का जो प्लेटफॉर्म है वो सेम होने की वजह से आपको साइड प्रोफाइल थोड़ा सा सिमिलर ज़रूर लग सकता है। एंड दोनों निसान मैगनाइट एंड रेनो काइगर में स्लोपिंग रूफ लाइन मिलता है, एक जो ट्रेडिशनल बॉक्सी शेप है वो कहीं मिसिंग है एंड वो बॉक्सी शेप नहीं होने के वजह से ये जो स्लोपिंग लाइन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन वाइज। इनकी जो स्पॉयलर है रियर स्पॉयलर, वहाँ पे आपको जो रेनो काइगर का है वो थोड़ा सा स्पोर्टी लगेगा एंड दिस मेक्स अ डिफरेंट अपील फॉर द एसयूवी। डायमेंशन वाइज भी दोनों गाड़ियाँ काफ़ी सिमिलर है। अब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm का है और दोनों में सेम है, हालांकि बूट स्पेस जहां आता है वहां पे काइगर बाजी मार जाती है विथ 405 liters ऑफ क्लास लीडिंग बूट, वहीं मैगनाइट का 326 liter का जो बूट है वो थोड़ा कम पड़ता है, हालांकि वो क्लास लीडिंग नहीं है बट लीस्ट इन द सेगमेंट भी नहीं है। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। इंटीरियर वाइज निसान मैगनाइट का जो इंटीरियर है काफ़ी रिफ्रेशिंग है, इसमें आपको डुअल टेक्सचर वगैरह मिलता है जिसके वजह से थोड़ा सा एक प्रीमियम अपील आता है। हालांकि इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है बहुत बेस्ट नहीं है बट यस इट इज़ गुड एंड कहीं पे अनफिनिश्ड नहीं लगता। इसका जो ओवरऑल लेआउट है ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है एंड ये एक फ्रेशनेस फील आपको देता है। वहीं दूसरे साइड रेनो काइगर में आपको चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर लगेंगी, जैसे कि इसका ग्लव बॉक्स जो सिमिलर लगता है रेनो ट्राइबर से एंड इसका जो एसी नॉब्स है वो भी आपको ट्राइवर से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ मिलेगा। एंड इसका जो लेआउट है हर जगह फिट एंड फिनिश हमें थोड़ा सा सही नहीं लगा, हालांकि ये प्री प्रोडक्शन कार है तो अभी कहना ये गलत होगा, हम इसका जब ड्राइव करेंगे तब हम आपको इसका क्वालिटी कैसा है वो बता सकते हैं, बट अभी के लिए हमें निसान मैगनाइट का इंटीरियर ज़्यादा रिफ्रेशिंग और क्वालिटी वाइज बेटर लगा। अब बात करते हैं इंजन एंड पावर की। तो इंजन आपको इसमें 1 liter का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो 72 PS जनरेट करता है एंड 96 Nm ऑफ पीक टॉर्क। ऑन द अदर हैंड जो इसका टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है वो 100 PS जनरेट करता है विथ 140 Nm ऑफ टॉर्क। अब ये फिगर्स दोनों गाड़ियों में सेम है, हालांकि ट्यूनिंग में थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंस होगा। एंड इसमें एक जो बहुत बड़ा चेंज है वो ये है कि आपको निसान मैगनाइट में सिर्फ एक ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है जो CVT है एंड वो सिर्फ टर्बो में मिलता है। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें आपको कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता मैगनाइट में। ऑन द अदर हैंड काइगर में आपको एक AMT ट्रांसमिशन मिलता है सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए। अब अगर हम ड्राइविंग और हैंडलिंग की बात करें तो निसान मैगनाइट हमने ड्राइव किया था, उसका रिव्यू अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करें, हमने उसका एक डिटेल्ड रिव्यू किया है एंड होप यू लाइक इट। अब अगर हम काइगर की बात करें तो काइगर हमने अभी ड्राइव नहीं किया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट वेरी सून, तो हम जब उसका ड्राइव करेंगे तो एक अच्छे से आपको डिटेल्ड बता सकते हैं कि ड्राइविंग में कैसे हैं। दोनों गाड़ियों में ड्राइविंग ऑलमोस्ट सिमिलर होगा बट थोड़ा सा स्टेट ऑफ ट्यून डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांड हैं। फीचर वाइज दोनों गाड़ियों में काफ़ी सिमिलैरिटी है बट कुछ चीज़ों का एमिशन है एंड कुछ चीज़ों का एडिशन है। फॉर इंस्टेंस काइगर में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, आपको TPMS नहीं मिलता, आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, बट आपको ड्राइविंग मोड मिलता है,
शार्क फिन एंटीना मिलता है। ऑन द अदर हैंड मैग्नाइट में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है एंड आपको उसमें TPMS भी मिलता है, बट उसका जो MID है वो इतना अच्छा नहीं है। एंड जो सबसे बड़ा चेंज है फीचर्स वाइज में वो है ड्राइविंग मोड, जो सिर्फ काइगर में मिलता है एंड मैग्नाइट में आपको कोई ड्राइविंग मोड्स नहीं मिलता। अब बात करते हैं लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्राइसिंग। अब निसान मैग्नाइट जब लॉन्च हुई थी वो 5 लाख के बेस प्राइस से लॉन्च हुई थी, बट जनवरी 2021 से उसके प्राइसेस बढ़ गए एंड अब उसका बेस प्राइस है 5.5 लाख एंड उसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 9.5 लाख पे है। तो हम रेनो काइगर के जो प्राइसिंग है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं सेम 5.5 से 10 के बीच में, एंड इसकी जो प्राइसिंग होगी उसमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट अभी तो ये देखने वाली बात है कि जब रेनो काइगर लॉन्च होगी तो रेनो अपने प्राइसिंग के साथ किस स्ट्रैटेजी के साथ आती है। टिल देन आई एम संतोष शाइनिंग ऑफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू VBHP ताकि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहें एंड आप तक हमारा रीच बढ़ता रहे एंड ये कंटिन्यू रहे।